सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनसाफ सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से है। जब से खबर आई है कि ब्रह्मोस मिसाइल की डाटा को लीक किया गया है और इसे पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया है, तब से सबके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि कब से ये डाटा को लीक किया जा रहा था, कितना डाटा लीक किया गया है और ये जो डाटा लीक किया गया है वो कितना सेंसिटिव है। तो अभी हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो डाटा लीक किया जा रहा था, इसे निशांत अग्रवाल के नाम के एक इंजीनियर ने लीक किया था और वो पिछले 4 सालों से ब्रह्मोस एयरस्पेस में काम कर रहा था। इसका उम्र बस 27 साल है और हाल ही में ही इसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया गया था। ये एक 40 मेंबर वाली टीम को लीड कर रहा था जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थी, जिससे ये साफ होता है कि इसके पास ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पिछले 2 सालों से ये ब्रह्मोस मिसाइल की डाटा को लीक कर रहा था और ऑफिशियल्स का कहना है कि जितना भी डाटा शेयर किया गया है वो बहुत ही सेंसिटिव थी। ये बंदा सिर्फ ISI के साथ नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंसी के साथ भी टच में था और पॉसिबिलिटी है ये ब्रह्मोस मिसाइल की डाटा को अमेरिका के साथ भी शेयर कर रहा था। रिसेंटली जो डाटा शेयर किया गया था उसमें ब्रह्मोस मिसाइल की सीकर के बारे में जानकारी शेयर किया गया था, जिसे ब्रह्मोस की एक्यूरेसी को मेजर किया जा सकता है। रिसेंटली ही ब्रह्मोस में इंडिजिनस सीकर का इस्तेमाल किया गया था और जल्दी इसकी एक और वर्टिकल डाइव टेस्ट भी होने वाली थी जो कि काफ़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है और इसका लीक होना इंडिया और रशिया दोनों के लिए काफ़ी चिंता की बात है। और रशिया की तरफ से अभी इस पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और उनका कहना है इंडिया के ऊपर उनका पूरा भरोसा है, लेकिन अभी जो दुर्घटना हुआ है इसमें अगर इंडिया को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो रशिया इंडिया की मदद करने के लिए तैयार है। एक और चीज़ भी पता चली है कि जो भी डाटा शेयर किया गया है उसे गेमिंग कोड के जरिए शेयर किया गया था और अभी इस पर तहकीकात जारी है और उन कोड्स को डिकोड करने का सिलसिला भी जारी है और आगे चल के इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी सामने आने वाली है। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तान और चाइना की तरफ से है। इंडिया और रशिया के बीच S-400 डील साइन होने के तुरंत बाद ही अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 48 हाई एंड मिलिट्री ड्रोन्स को सप्लाई करने का फैसला किया गया है। इस डील की प्राइस को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी चाइना से 48 विंग लॉन्ग 2 UAVs को खरीदने वाला है जो कि एक हाई एंड रिकॉग्नेंस और स्ट्राइक UAV है। अब इस ड्रोन को चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन आगे से इनको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। एक और अपडेट भी पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान ने कल अपनी गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण करने का दावा किया है जो कि करीब 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरियर्स को भी कैरी कर सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। आप सबको पता होगा कि तेजस MK2 एक कम्प्लीटली डिफरेंट फाइटर बनने वाला है जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर होगा और इसके डिजाइन में अभी काफी सारे बदलाव भी किए जाने वाले हैं। इसकी डिजाइन को 2019 के एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा और अभी तक इसके बस कुछ ही स्पेसिफिकेशन सामने आई है, जैसे कि अब ये आगे चल के हमारे मिराज 2000 और MiG-29 फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है, तो इसकी पेलोड और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इन जेट से बेहतर बनने वाली है। और एक एस्टिमेटेड फिगर के मुताबिक तेजस MK2 17.5 टन तक के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसमें अब जनरल इलेक्ट्रिक की 414 इंजन लगाया जाने वाला है जो कि करीब 98 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। तेजस MK2 का एक फोटो अभी वायरल हो रहा है जिसमें तेजस की कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रही है। इसमें कनाड का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्टेल्थी लग रही है। इस पिक्चर को अगर आप सही तरीके से देखें तो इसका फ्रंट सेक्शन MK से काफ़ी सिमिलर लग रहा है, फिर भी इस पिक में कितनी सच्चाई है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो भी पिक अभी वायरल हो रही है, अगर ये तेजस MK2 की डिज़ाइन है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के तेजस MK2 काफ़ी बेहतरीन फाइटर बन सकता है। और सच बताऊं तो मुझे 2019 की एरो इंडिया शो का बेसब्री से इंतज़ार है। अगला अपडेट चाइनीज J-20 को लेके है। आप सबको पता होगा कि J-20 चाइना का सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना F-22 की बराबरी का फाइटर मानता है। हालांकि वो बात अलग है कि J-20 और F-22 के बीच वही फर्क है जो एक देसी चिपकली और अडैप्टर के बीच होती है। और ये बात भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि J-20 को बनाने के लिए चाइना ने F-35 के डाटा को हैक किया था। दरअसल चाइना हमेशा से ही कॉपी करने में एक्सपर्ट रहा है और वो भी घटिया क्वालिटी की।
जैसे कि आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-22 की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था ताकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ ना लगे, और इसके बदले उन्होंने F-35 को बनाया था जिसका एक्सपोर्ट किया जा सकता था। ठीक उसी तरह से चाइना ने भी अपनी J-20 की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है ताकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ ना लगे, और इसके बदले वो अभी J-31 को बना रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है बिल्कुल F-35 की तरह। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि J-20 की एक्सपोर्ट को इसलिए बैन किया गया है ताकि लोगों को पता ना चले कि J-20 कितना घटिया फाइटर है। इसका एक और वजह यह है कि ताइवान की तरफ से पिछले साल J-20 की रडार क्रॉस सेक्शन का एक एस्टीमेशन दिया गया था जिसमें बताया गया था कि इसके फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन करीब 0.01 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसका ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन करीब करीब 1 मीटर स्क्वायर के आसपास की है। अगला अपडेट जापान की तरफ से है। जापान की तरफ से अभी अपनी सोर्यू क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को अपने नेवी में शामिल किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। इस सबमरीन का नाम ओर्यू है और इसका लेंथ करीब 84 मीटर का है। करीब 4100 टन डिस्प्लेसमेंट वाली यह सबमरीन 20 नॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। इसमें 6 533 mm के टॉर्पिडो ट्यूब्स लगे हुए हैं जो कि टाइप 89 हेवीवेट टॉर्पिडोज को फायर कर सकते हैं। साथ ही इसमें हार्पोन एंटी शिप मिसाइल्स को भी कैरी किया जा सकता है। ये पहली बार है जब सबमरीन में लीड एसिड सेल के बदले लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, और ये यकीनन इस सबमरीन की परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बनाने वाली है। अगला अपडेट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से वर्तमान की सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए एक एंटी टेररिज्म फोर्स को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया है। इस फोर्स का नाम कवच है और इसमें हरियाणा के स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट से जवानों को सिलेक्ट किया जाने वाला है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन जवानों को एनर्जी कमांडोज के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाने वाला है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।